अगर आप बहुत तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे और कई वो चीजें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीजें आई भी है बट कुछ चीजें आई भी नहीं है, तो वहां पर वो मेरे मुंह के पास आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता। वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में, इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती, ऐसे सारे वो कॉमेंट्स पास कर रहे थे डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके। एंड आई स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी कई मरतबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया। और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तो मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी, तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई। तो मैं देख रही हूँ इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊँ और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कॉमेंट्स पास कर रही है बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया, बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी, तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कॉमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए, तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा। और मैं फेक इंसान नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के जाके फेक हग करूँ, फेक स्माइल करूँ कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, नहीं, मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया तो मैं हर्ट थी। और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था। तो वह मुझे तकलीफ हुई कि दोस्त बन के तुमने मेरे साथ ये किया, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो बाय बोलने के लिए, जब कोशिश तो तुमने पूरी की वो भी ऐसे कमेंट्स पास करके, तो मेरा दिल टूटा था। और मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मेरे जो दिल में वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है, दिस इज हाउ सना सुल्तान। सना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप बाहर आई है तो अदनान की वजह से, क्योंकि आपका जो पार्टनर थे लास्ट गेम में, अगर वो सही चुपका लगाए होते आप दोनों तो अब तक आप गेम में बनी हुई होती है, अगर दूसरे कोई अनदर घर के पार्टनर आपके रहते तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखती, बिकॉज मुझे लगता है वो मुकद्दर का खेल है, वो जो होना था वो हुआ, हमने कोशिश पूरी की। हाँ, मैंने अदनान को बोला जरूर था कि इतना टाइम हो गया है और 16 मिनट हो गए थे हमारे, मैंने बोला जरूर था, थोड़ा सा उसकी तरफ से मिसकैलकुलेशन हुआ होगा, बट हैविंग सेड दैट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट। और मैं, मुझे कोई इस चीज का गिला नहीं है कि मैं 1 महीना 4 दिन रह के आई हूँ, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो में बिना कोई कॉन्ट्रोवर्सी के बाहर मैं क्लीन आई हूँ, ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, मेरे जो वालिदैन है उनके लिए भी अच्छी बात है, दे आर प्राउड ऑफ मी, तो मुझे और क्या चाहिए, माई फ्रेंड्स आर प्राउड ऑफ मी, पीपल आर लाइकिंग मी, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। सना, आप विशाल को जब थप्पड़ मारने वाला सीन हुआ था, आपने कृतिका के साथ और चंद्रिका के साथ बात कर रही थी और आपने ये कहा था कि आप उसे जानती जरूर हो, लेकिन आप ये चीज से नहीं वाकिफ थी कि वो ये ऐसा भी कर सकता है, तो क्या आपको नहीं लगा कि ये आपका दोस्त है, आप उसको अगर इतने साल से जानती हो तो एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए था थप्पड़ मारने वाले सीन पर? मैं एग्जैक्टली ये चीज किया, इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं, जब उन्होंने ये चीज मुझे बोली मैंने उनको बोला यार मैं विशाल को, ये एग्जैक्टली मेरा जुमला था, बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं कि उसने क्या बोला था, मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ना ऐसे कमेंट पास किया, मैं खुद भी शॉक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है, लेकिन मेरा मुंह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था। उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाकई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता बैठता है, जब वो खुद ये चीज का एतराफ कर रहा है, ये चीज कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुंह से बोलती मैम, जब जो वाकई में वो खुद ही मौजूद थे, लव कटारिया लव खुद बोल रहे कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला, बट जब लव खुद कह रहे कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुंह से स्टैंड लूं, तो भी मैंने बोला कि यार मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, बट अगर वो ही मुझे चंद्रिका जी भी कृतिका भी लेकिन लव बोल रहा है लव बोल रहा है, मैंने कहा लव बोल रहा है लव बोल रहा है, तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी आपका क्या थॉट है विशाल को लेकर, क्या आपको क्लियर हुआ है कि उसने ऐसी कुछ कॉमेंट नहीं किया था? तो जब पायल जी आई थी तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ किया था कि ये हुआ, फिर जब विशाल के पेरेंट्स आए तो उन्होंने आके ये बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, और तब विशाल में भी थोड़ा एतमाद था और मुझ में भी आया कि शायद फिर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया, सो हैविंग सेड दैट विशाल के लिए रिस्पेक्ट है, मे भी उसको गलत वे में लिया गया होगा, मैं भी इस चीज पे बिलीव करना चाहूंगी। आई वुड लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सेल्फिश है, बहुत चुड़ैल है, गंदी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी ज्यादा वीडियो में
वायरल हो रहा है बुक भी, तो आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूंगी सना सुल्तान कैसी है, उनके मतलब सच में वो सेल्फिश है। सना मकबूल देखो, सना मकबूल की एक बहुत आला तरीन बात है जिसको मैं जेन्युइनली दिल से सल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई। ये उनका स्टेटमेंट है। जब वो खुद लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि वो ऐसी है तो वो है, पर रणवीर जी को हक नहीं बनता कि वो किसी के बारे में घटिया तरीन चीजें बोले और कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट पास करे, उसके लिए इख्तलाफ है। सना मकबूल ही नहीं, किसी लड़की या किसी लड़के के ऊपर भी आपको हक नहीं बनता कि आप किसी की निजी जिंदगी पे इस तरीके का कॉमेंट करे, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पे करोड़ों लोग देखते हैं, लोग आपको एज इंस्पिरेशन देखते हैं, तो आप अगर ये करोगे तो ये गलत भी हो सकता है। सो इस चीज पर मैं सपोर्ट नहीं करती रणवीर जी। फिर बाद में उनका अदनान के साथ भी झड़प हो गई थी, कहीं ना कहीं फाइटिंग तक जा रही थी बात, तो आपको ऐसा लगता है कि जान बूझ कर ये सब कर रहे फिर भी वो नॉमिनेट नहीं हो रहे, फिर भी उनका एलिमिनेट नहीं हो रहे? मैं यही बोलना चाहूंगी अरमान मलिक के हवाले से कि वो हिपोक्रेट इंसान है और उन्होंने बास दफे ये प्रूफ किया है। दूसरों के हवाले से तो किया ही किया, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, साई केतन को मेरे अगेंस्ट मुसलसल भड़काते गए और उस वजह से साई के बिहेवियर में तब्दीली मुझे दिखी। उसके अलावा उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया जैसे कि विशाल के ऊपर उन्होंने किया, तो ये सारी चीजें इस बात का प्रूफ है कि वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो उनके बिहेवियर में दिख के भी आता है, बट पता है क्या, असली जर्नी बिग बॉस में नहीं, असली जर्नी बिग बॉस से बाहर आके चालू होगी कि आप वहाँ क्या छाप छोड़कर आए हो, तब आप भी हो, मैं भी हूँ, हम देखेंगे कि वो क्या छाप छोड़ कर आए और ऑडियंस उनको किस तरीके से देखती है। थैंक यू, शुक्रिया।